नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आइए आपको बता दें देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। उरी पुलवामा की तरह गहरी चोट दे गया गलवान, हिंसक झड़प में भारत ने खोए 20 जवान। चीनी सेना ने 6 जून को कही थी पीछे हटने की बात, 10 दिन में रच डाली खूनी साजिश। ग्रेटर नोएडा के ऑटो पार्ट्स के कंपनी के गोदाम में लगी आग, ऑपरेशन जारी। बीजिंग एयरपोर्ट ने कोरोना के डर से 1255 फ्लाइट रद्द की। फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल के दाम में 55 पैसे और डीजल के दाम में 69 पैसे की बढ़ोतरी। भारत चीन विवाद पर यूएस बोला हम बनाए हुए हैं नजर, यूएन ने भी चिंता जताई। दिल्ली में कोरोना के 1859 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के पार। भारत चीन के खूनी संघर्ष पर गुटेरेस चिंतित, बोले दोनों देश संयम रखें। गलवान में हिंसक झड़प के बाद हिमाचल प्रदेश के चीन सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी। कोरोना के कारण इस साल T20 वर्ल्ड कप होना मुश्किल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। लॉकडाउन में ट्रेन पकड़वाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप, 2 RPSF कांस्टेबल गिरफ्तार। सुशांत प्रिया करने वाले थे शादी, ढूंढ रहे थे नया घर, ब्रोकर ने किया खुलासा। सुशांत की मौत पर जांच की मांग, डायरेक्टर बोले YRF कैंप ने आत्महत्या की ओर ढकेला। सऊदी अरब का सरकारी फंड कर सकता है रिलायंस जियो में बड़ा निवेश। अब हवाई ईंधन की कीमत में 16% की बढ़त, बढ़ सकता है फ्लाइट किराया। यूएस में कोविड के उपचार में HCQ का यूज बंद, भारतीय कंपनियों को झटका। भारत चीन तनाव से बाजार लड़खड़ाया, सेंसेक्स 376 अंक बढ़कर बंद। रूस ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया, सबमरीन पर नजर रखने वाली तकनीक की कर रहा था चोरी। यूपी में अब बिना हेलमेट दो पहिया चलाने पर कटेगा ₹1,000 का चालान। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से बातचीत के लिए बनाया ऑफिस उड़ाया, एक दिन पहले किम जोंग उन की बहन ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। श्रमिकों को अपने ही जिले में मिलेगा काम, सीएम योगी ने गठित किया आयोग। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए PPE किट और वेंटिलेटर जैसे संसाधन जुटा रहा ताइवान, 2.4 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना से अब तक सिर्फ 7 मौत हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का फैसला असंवेदनशील, सरकार इसे वापस ले। बीजिंग में फैल रहा संक्रमण, फिर से स्कूलों को बंद करने के आदेश। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लॉकडाउन और अनुशासन की चर्चा दुनिया भर में, हमारा रिकवरी रेट 50% के ऊपर।